हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुदा से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये जिसके लिए लिए है मैंने, पाव भर करेले हैं और पाव भर से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज है। और अब मैं इन दोनों को काट, देखिए करेले मैं काट लूँगी और इसका छिलका नहीं उतारूँगी, और छिलकों के साथ ही और इसके जो बीज आएंगे अंदर से, ये छुरी से मैं इस तरीके से बीज इस तरीके से छुरी से मैं बीज इसके निकालते जाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से छुरी से मैं इसके बीज निकालते जाऊंगी और इसे गोल ही काट लूंगी। मैंने प्याज काट ली है ये, और देखिए मैंने करेले भी काट ली हैं और करेलों को गोल गोल काटा है। इसके छिलके वैसे ही हैं और बीच में से मैंने इसके सब बीज निकाल दिए हैं और इनमें नमक लगा दिया है। 1 घंटे तक रख दूंगी जिससे ये अपना कड़वा पानी छोड़ देंगे। और ज़्यादा भी रखना चाहें तो आप ज़्यादा देर भी रख लीजिए, लेकिन मैं इसको उबालूंगी ना, उसमें भी अपना कड़वापन निकाल देंगे, इसलिए 1 घंटे ही रखूंगी जिससे थोड़ा नमक लगा कर अपना कड़वा पानी निकाल देंगे। ये प्याज धो लिए और धो करके मैंने छान ली है और ये करेले उबालने के लिए रख दिए हैं। 10 मिनट तक मैं इनको उबालूंगी, 10 मिनट तक मैं उबालूंगी और इसका कड़वा पानी थोड़ा निकल जाएगा। ये करेले मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, धो करके मैंने इनको उबालने के लिए रख दिए हैं और 15-20 मिनट तक धीमी आंच पे उबलेंगे। अब ये दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची इसमें कड़क हो गए थे, फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए तेल में, और अब मैं ये प्याज फ्राई कर का गुलाबी होने तक इसको फ्राई करूँगी। कम सामान में ये हमारे करेले बन जाएंगे, इसमें हमें ज़्यादा सामान, ये साबुत मिर्ची, 4 साबुत मिर्ची मैंने तोड़ करके रख ली हैं। ये थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि उसमें मैंने नमक मिला के भी रखा था करेलों में, इसलिए देख करके आप स्वाद नमक चेक करके ही नमक डालिए। ये अचार के 2-3 पीस हैं। जब पास अचार नहीं है तो कच्चे आम या खटाई भी आप डाल सकते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। ये देखिए प्याज मेरी लाइट ब्राउन हो गई है, गुलाबी सी, हल्की गुलाबी सी हो गई है। मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक डाल दूंगी। और 3 से 4 साबुत मिर्ची जो तोड़ी थी वो डल जाएंगी। और ये 3-4 पीस अचार के डाल देंगे, आम का अचार है। अगर ये ना मिले तो कच्चे आम के टुकड़े भी 3-4 डाल सकते हैं, या वो भी ना हो तो खटाई डाल दीजिए। और ये नमक हम अपने स्वाद के अनुसार से देख करके डाल देंगे। ये जो करेले मैंने उबाले थे ये ठंडे पानी में धो करके अब ये डाल दूंगी, और इसमें बिना पानी डाले इसमें धीमी आंच में इसको रख दूंगी। जब मेरे करेले गल जाएंगे तब एक बार और भून करके ये सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसे धीमी आंच में रख दूंगी और इसका ढक्कन लगा के मैं इसे धीमी आंच में बनाने के लिए रख दूंगी करेलों के गलने तक। ये देखिए मेरे करेले की सब्जी तैयार हो गई है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको उबाल लिया था पानी निकालने के लिए, तब मैंने इसमें पानी नहीं डाला और बिना पानी के ही इसे धीमी आंच में पकाया। लेकिन अगर ये करेले गलते नहीं हैं, अगर आप चाहें तो इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसे धीमी आंच में रख सकते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं इसे सर्व करूँगी। ये देखिए करेले की सब्जी तैयार हो गई है, और प्लीज़ आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।